एक दो तीन गो। हेलो भाई, मैं हूं पवार। ओ भाई, विंटर स्पीति पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका जर्मन सेपर्ड खा तो रहा है कुछ, बस हमें ना खा जाए। ओहो, मॉर्निंग का टाइम है भाई, काजा में उठे हुए हम लोग अभी। कितना अच्छा नज़ारा है, होम स्टे में हम लोग रुके थे और स्नोफॉल हो रही है लिटिल लिटिल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये था भाई जी हम रुके थे अभी। गाड़ी में से चार्जर वार्जर ले आता हूँ, आराम से यहाँ पे चार्ज वार्ज करेंगे। लाइट तो आती नहीं है, फ़ोन भी डेड पड़ा था। अच्छा माहौल है, कुछ इतनी खास सर्दी नहीं है भाई। वहाँ से सामान ला के वैसे इन कुत्तन के, हमारे वहाँ के कुत्तन थे तो। हाँ यार, मैं तो खतरनाक कर देगी। और रेड हो रहा है बाबू, हाल है भाई। कल तो स्नोफॉल मिली नहीं थी, गूगल पे दिखा रहा था, लेकिन आज स्नोफॉल जरूर, पर ऐसी बहुत हल्की हल्की सी। चलो भाई, फिर अभी ना रोटी टूक खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट इसी में इंक्लूडेड रहता है, 1200 रुपये पर पर्सन। तो भाई अभी सुबह सुबह का वक्त है, और ये मिट्टी का घर ना इसलिए बनाते हैं, अभी जो दीदी हैं यहाँ पे, सब उनको दीदी कहते हैं, मतलब जो भी अटेंडेंट होती हैं, वो कहते हैं कि भाई ये ना गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में वो रहता है। और सीलिंग में आप देख रहे हो भाई, हमारी तो बहुत हाइट है, ऐसे हमको करना पड़ता है झुक के। और भाई इतनी ठंड है, -14 है फिलहाल, 11-1 बज रहे हैं। तो यहाँ पे आज देखो टोस्ट है, चाय है और ऑमलेट वोमलेट है। तो मामा के सुस्त पर होगा तो ही सुस्त ना पड़े, जाड़ो पहली बार इतना एक्सपीरियंस कर रहे हो जिंदगी में, झेल जाओगे झटक के भाई, तुम्हें कुछ मेजर ना है। वाके सड़चू ना करो, रात लिटिल लिटिल स्नोफॉल भी हो रही है। देखा है यहाँ तो बिल्लियों को पालते हैं, देखना बिल्ली हमारे साथ कितनी कंफर्टेबल है। हम हैं इतने प्यारे यार, मैग्नेट है हमारा, कोई अट्रैक्ट होता चला। ओए म्याऊ, हेलो कर दो। हेलो गाइस, खाती नहीं है ये, पर भाई बिल्ली का खाया बहुत बुरा रहता है, सुना है मैंने। रोटी टू खाली भाई, यहाँ रुके थे हम कारजे मड हाउस में भाई, ये खड़ी अपनी गाड़ी और यहाँ से हम कहीं से तो आए हैं। स्नोफॉल हो रही है, पर भाई ऐसी वाली ड्रीम पूरा करने वाले हैं कि गाड़ी ढक जाए लपालप, पर कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये जर्मन से अपन को क्या चाह रहा है, हमको जाने दो भाई आगे की तरफ। और ये हमको लोग वो ही बार बार गैंग मिल जाती है हमको, हैं ऊपर ना, ऊपर ही चल रहे भाई। अगर ऐसी मिल जाता भाई कजा तो मज़ा से ही आ जा। अब देखता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो ना हो, टेम्परेचर अभी -9 तो घड़ी दिखा रही है, तो भी ना यार फील ना है रहा, मतलब ज़्यादा इतनी भारी ठंड ना है। तो वो जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, स्कॉर्पियो एन स्टार्ट हो जाएगी, आर जैसी दिक्कत नहीं करेगी भाई ये। तो लेके प्रभु का नाम करके देखता हूँ स्टार्ट अपने स्कॉर्पियो एन को। चलो एक स्कॉर्पियो हमारे आगे ही जा रही, देखो वो वाइपर है। एक दो तीन गो। हो गई यो भाई, -14-15 तक गया था रात में। स्कॉर्पियो एन थार से तो बेटर है, बस एक ये चीज मेन बेटर है। इसको खोल देते हैं, अंदर आ जा स्नो फॉल हमारी गाड़ी में घुस जा भाई तू। भाई स्टार्ट हो गई, इसने बहुत झटक के लिए, गड़ 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 गड़, मेरे को लग रहा था कि मान जाएगी हार, बट भाई स्कॉर्पियो एन तो लव है, लव वेरी मच लव। हाँ देखिए, जब मैं पिछली बार काजा आया था ना, इसकी टेस्टिंग चल रही थी, तो मैंने सोच लिया था कि मतलब जब ये गाड़ी बहुत प्यारी लग रही थी मेरे को, कि बस स्कॉर्पियो एन ही लेंगे। तो ये स्टार्ट हो गई दोस्त, मजा आ गया। तो सुबह में जब आया था ना बैग वैग लेने के लिए, तब मैं स्टार्ट करके गया था इसको एक बार, तो है एक, एक, एक बार में अब जैसे किया ना ऐसे नहीं की, तो बिल्कुल एक बार में प्यार से स्टार्ट हो गई भाई। यू गाड़ी है तो गुरखा, यू इन सीजन में कामयाब है, यहाँ में तो सोच नहीं ना पड़े। तो कितनी प्यारी प्यारी स्नोफॉल हो रही है, दिख रही है ना वो कैमरे में शायद, महक आ रही है। डीजल बर्न, इसका इंजन तगड़ा ही पावरफुल है यार, बहुत सही है। पर शायद हो सकता है थार के टाइम ना भाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो पड़ रही थी, क्या बोलते हैं, ठंड, टेम्परेचर ज़्यादा माइनस में था, इसलिए वो दिक्कत कर रही होगी। लेकिन अभी इसको मैंने कोल्ड स्टार्ट छोड़ दिया है, ये एन वाला भाई ना सोचने लग जाए गरीबों फंस गए क्या। नहीं भाई, हम अपने इंजन की महक सूं गए हैं यार, बड़ा प्यार आ रहा है इस पे, कसम से कोई इसी बात की टेंशन रहती है। गाड़ी स्टार्ट लगे हैं, बालन ने तो दिखा तेरे मेरे से दिखाओ यार, आज मैं बहुत खुश हूं। चल छोड़ यार, सोच रहा हूँ कर ही देते हैं। तो भाई अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है मार्केट में। भाइयों अब हम जा रहे हैं
ऊपर की तरफ, मतलब हमारी गाड़ी में डीजल कम था, इधर हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी, वो गैंग सी थी ना, तो 10-12 गाड़ियां उनकी, तो सारे एक एक करके डीजल डलवा रहे थे। तो मैं कहा हमारी आधी टंकी छोड़ यार, 15 किलोमीटर जाना आज अपने को, तो ऊपर जाएंगे, लेकिन वहां से जो नजारे हैं ना वो एक नंबर है, और स्नोफॉल भी हो रही है, सोने पे सुहागा हो गया अपने। भाइयों कहां आ गए हम, कहां आ गए जन्नत में। ओ भाई देखो लत्ता, देखो लत्ता, देखो देखो देखो, देखो। पीछे आ, पीछे 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 भाई, ये जन्नत देखो कसम से भाई, बिल्कुल ऐसा था पिछली बार भी ना हो भाई। हम पहुंच गए ग्राम पंचायत लांग से, आपका हार्दिक स्वागत करती है, मन कर रहा है यहीं आराम से बैठ के, आराम से चिल करते रहो बाबा के। बिल्कुल, और ना भाई को ठंड वंड लग रही है, बस खाली थोड़े थोड़े हाथ सुन हो रहे हैं, तो जैकेट फेंक दूं तार के। ना 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 ये वाली करेंगे बाद में। ओ भाई साहब देखो चल रहा, ऊपर और तगड़ी सुनो फोन मिलेगी भाई, तेरे आगे चलता ना जोर नहीं भाई। यहाँ पे तो बर्फ जमनी स्टार्ट हो गई है, ओए सनरूफ पे बर्फ जम रही है। गत्ता, गत्ता पे बर्फ जमन लगी है। चल बंद कर दे, रहने दे, भीतर आ जाए खावा खाएं की। ओ ऊपर चल रहे हैं, ये अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी कब से हो गई। वो मेरी है ब्रो। रोज तू मंदिर जावे भोले ना का भाई को सर। भाई अब हम बस पहुंचने वाले हैं 29 किलोमीटर, गाज खान लगा ही गूगल में, अच्छा टावर ना आ रहेंगे तो यार कुछ भ्रम है गोएगो। भाई मैंने 4 हाई में लगा लिया ये, क्योंकि वैसे तो चढ़ ना पा रही भाई। भाई मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मतलब इतना पानी जाने के बाद भी ना इसके ये 4 हाई 4 लो ये मोड़ सारे वर्क कर रहे हैं यार, बटनों में सारे में पानी घुसा था जब आपने देखा था, अब भी जब भी वर्किंग है यार, ये कमाल हो गया। इसमें तो क्वालिटी दी है महिंद्रा ने, वेरी नाइस गुड। पता मोड़ पे ना, पता नहीं इसमें एक दिक्कत ये है यार, टर्न लेते टाइम पता नहीं क्यों गड़गड़ करती है यार, ये कोई बर्फ तो ना जम रही है कहीं डिस्क विस्क में और कहीं यार। देख देख रेस सही है, अरे चढ़ जा यार क्यों। लो जी गुरु जी, ओके ले आओ जी ले आओ। वो क्या रहा है, मतलब और गाड़ी इतनी नॉर्मल जा रही है, अपनी वाली पे ही पता नहीं क्या हो रहा है भाई साहब। वैसे तो मजा आ रहा है, पर देख के ना कभी कभी जैसे करती ना बीच बीच में टर्न पे कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। टाइम लैप्स ना बना रहा भाई, टाइम लैप्स ना 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 वैसे चलन दे नॉर्मल ही बना। मैंने कहा है कि पहिया ना, मैं इसके रोग है राग है, कहा है डरा हो रही है, नहीं पड़ रहा है ये खड़ी है भाई। हम ना अभी इतनी हाइट पे आ चुके हैं भाई, मतलब क्या बोलूं, बादल हैं ये, बादलों को चीरते हम चल रहे हैं, ये देख रहे हो आप, ये बादल हैं, जीते जागते भाई यू अलग दुनिया है मामा के। तो मैं घर जाके घर पे मैं तो नहीं हो कही कि चल तो जन्नत दिखा लाऊं। बिल्कुल भाई तू मुझे गलत प्रूफ कर दे, क्या मैं गलत था ना भाई, बिल्कुल गलत जन्नत है, बिल्कुल तेरी आवाज से तो नहीं लग रही जैसे ना है। तो यार एक बात बता, यहाँ पे चढ़ा दूंगा बर्फ पे सबरी गाड़ी इनकी ऐसी तो हालत खराब है ना की है, हमको वहां पे जाना है वहां पे स्टैचू के पास, वहां पे लांग छा बुद्धा स्टैचू के पास जाना है हमको। सच है क्या, सच है ये, सच बता। चारों तरफ वाइट 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 भाई, मतलब ब्यूटी हो तो ऐसी, वरना ना हो भाई, वरना ना हो, सच बता रहा हूँ, रियल आंखों से कैमरे के ऊपर है वो, तो भाई 3rd person हमारे बीच में आ रहा है आपके और मेरे। अगले पहुंचने वाले हम, बस बादल देखना यार, ये भी एक गांव है लांगजा वाला भाई, मुझे ये लगता है यार काजा वाले इनसे हो जाता खुशकिस्मत है, मतलब पहले काजा वालों पे लगता था कि यार कैसे जी रहे हैं,
अब इनको सोच सोच के लग रहा है यार ये कैसे जी रहे होंगे यार, देखना कि उनसे भी 18-20 किलोमीटर ऊपर बैठे हैं, यहाँ तो टावर भी ना लगे, ना रहे टावर फोन में। एस्प्रेसो छोड़ो भाई, यहाँ तो 800 भी मौजूद हमको दिख गई, और चलती होगी या दबा के खिचमा फुल नॉन स्टॉप। पहुंच लिए भाई हम लोग, ये देखो स्टैचू जी यहाँ पे आ गए भाई। ये हमने स्पिलो से पानी की बोतल ली थी है, खोली भी ना, इसके अंदर बर्फ जम रखी है, और आप समझ रहे हो ना कितनी भयंकर ठंड है इधर, समझ रहे हो। अरे मैया री, बाहर तो जम जाएंगे। अरे वो तो नीचे ही लेगा मामा के गाड़ी है, हम तो नहीं रह गए यार ऊपर ही। अरुण पवार हाँ जी, यहाँ पे भाई पर्ची सी कटती बताई, 30 रुपये हेड पर पर्सन, और यह मंदिर है तो मैं कह लो जी आप ले लो पूरे 100 ले लो के जी, मेंटेनेंस वगैरह के लिए चाहिए होता कही है। ये भाई वो स्पोर्ट एस्प्रेसो स्पोर्ट, वाह व्हाट अ कार, व्हाट अ बीस्ट, व्हाट अ एसयूवी, ठीक ना। झंडे एंटीना पे टाग रखा है, वहाँ चलना अपने को, वहाँ पे लेट्स गो। अरे किम भी जा सकते हैं बट मुझे लगता है टाइम नहीं बच पाएगा, 3 बज गए। पोस्ट ऑफिस है हाईएस्ट, मैं वहाँ ऑलरेडी जा रखा हूँ भाई, मतलब मंदिर टाइम में। अब मन सा नहीं कर रहा, मतलब वो फिर से ऐसे अलग रूट है, सेम व्यूज़ हैं, और अब किसको ही चिट्ठी लिखें यार, पहले लिख ली वो आज तक नहीं पहुंची भाई मेरी चिट्ठी, वहाँ चिट्ठी लिखी थी ना वो आज तक पहुंची नहीं, पता नहीं रास्ते में कहाँ खो गई। तो आज तो बुद्धा जी के दर्शन करने के ही चलते हैं नीचे, मेरे को पता है उसमें शाम हो जानी है यार, फिर शाम को ऐसे रास्ते पे ड्राइव करना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रुक जा ना, रुक जा। जय हो बुद्धा देव जी की, जय हो भाई, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कृपा बनाए रखें जी हम पे, आपके बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, कृपया बनाए रखें, 35 फीट के हैं जी, और पूरा लांगजा विलेज ऐसा क्या पुकारा नजारा, चिड़िया उड़ती हुई भाई, अलग ही जन्नत, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कैसी फीलिंग है, कितनी भयंकर ठंड है, माय गुडनेस। मामा का फोटो खिंचवाने में फुल ऑन व्यस्त है, मामा का एकदम फुल स्मार्ट ही लड़का है ये, घोड़ोते गांव होटल से बिलोंग करता है जी, 450 नंबर। ओके जी भैया, हालत खराब हो जाती है चढ़ने में ही ना यार, इतना हाई एल्टीट्यूड, तू घोड़ो देखो तेरा कसूर ना है, हमारा कसूर है मीन रही है। चलो भैया ऐसे चलते हैं, खाने का कुछ ना है भाई, उतरते टाइम ना कुछ ज्यादा दिक्कत कर रही है ये वाली समस्या, गड़गड़ गड़गड़ टायर वाली, देखना ये देखना, ये देखो देखो, पता नहीं क्या अजीब सा ये ऐसे गड़गड़ गड़गड़ किसी कर रही है, इससे लग रहा है कि पिछले टायर से हो रहा हो ये, 4x4 में मैंने हाई में लगा रखे, देखिए भूख लग रही भाई, हमने लेज लास्ट खोल लिया पैकेट फूड, देखो अब देखे गुरु जी, अब रिप्ट है तो ना रिप्ट है, आराम तो कहीं मैं रिपट जाऊं, हाँ रुक सही, ओ भाई आराम से अब तो निकल गई आराम से, उतरी ओ भाई साहब अभी रिप्ट गया होता, निकट ही बचा हूँ। भाई से ये भी असर है देख के, अभी थोड़ा सा बचा हूँ, खेल रहे थे पैर में थोड़ा सा झटका सा आ गया लगता है शायद से, ओ माय गॉड, तो क्या कमर में झटका, हाँ नीचे फिसलने थे, फिसल गो तू अभी, अभी फिसल गो तो मैं नेट आ जाऊँ, नेट मत बचा भाई, ये देख हमें स्नो विनो मोड़ है ना, ये तो यार लगाने को मतलब यार एक बात बता, तो ऐसी कंडीशन में ना ये आधी नाम है यार ये ना आते यार नाम है, कौन स्नो मोड है कुछ मोड है, इसको भी करेंगे चल, चिच्चम विच्चम चलेंगे ना कल, जब देखेंगे अभी मोड है, अब ज्यादा दिक्कत ना, अब तो रोड पर यू ही एक ज्यादा परेशानी वाला घर था, तो टावर भी आ गए ऊपर, टावर ना आते भाई यहाँ पे टावर आ जाएंगे, तो मतलब हम ना जा रहे हो किक्की विक्की नहीं जा रहे भाई, अब टाइम नहीं है यार, रात में तो बिल्कुल नहीं आना, बाकी मैं वो भी रखा हूँ भाई, मैं बता दिया ना, तो आप हिक्किम भी जा सकते हो, कॉमिक मोनेस्ट्री भी जा सकते हो, कल देखेंगे आज थोड़े
यही नजारे बहुत है आज आंखों के लिए ना, यही ना समा पा रहे हैं, और ज्यादा देख लिया ना बढ़िया आंख फट जाएंगे हमारी, फिर खाते में वीडियो डालेंगे भलाई नहीं थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे यार, लिटिल लिटिल होना चाहिए फन जिंदगी में, एकदम नहीं वरना बैग लग जाती है। रोटी तेरे लिए था ये। यहाँ पे भाई मैंने आज हिल डिसेंट कंट्रोल पहली बार गाड़ी में एक्टिवेट किया है भाई, बढ़िया चीज है, अपने आप ब्रेक लगाते है गाड़ी जैसे हिल पे जाएगी ना, हिल डिसेंट का मतलब यही रहता है अपने आप। यहाँ पे गाड़ी देखो, ये मैंने कुछ ना कर रखा, गाड़ी स्लोप पे उतर रही है, गाड़ी की स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है, नहीं तो गाड़ी की एकदम भागनी चाहिए ना, न्यूट्रल पे गाड़ी है, न्यूट्रल पे गाड़ी भागती है एकदम से, आपको पता है। अभी यहाँ पे मोड़नी तो मेरे को खुद ही पड़ेगी, अपनी जो ब्रेक है ना मैनुअल वाली ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है। अब देखो भाई यहाँ पे रेडी लिख के आ गया, इतनी समझदार है यहाँ पे, मैंने कोई भी मैं एक्सेलेरेटर पेडल वेडल यूज नहीं कर रहा हूँ और गाड़ी भागने नहीं दे रही है इसको न्यूट्रल पे रहने के बावजूद भी। हाँ अगर मैं इसको इसमें ये लगा के रेस दूंगा ना तो ये चलती रहेगी, तो ये मेरी बात मानेगी, फिर इंजन ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ हट जाएगा। लेकिन अब मान लो फिर से स्लोप आ गया और मैं गाड़ी को फिर से न्यूट्रल कर देता हूँ, हिल डिसेंट कंट्रोल मेरा फिर से एक्टिव है, तो अब देखना अब क्या होगा, ये गाड़ी को भागने ही नहीं देगी भाई। जैसे मान लो न्यूट्रल पे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी को छोड़ दूं तो वो भागेगी, अब देख लो आप, पाम वाम कोई कुछ यूज नहीं कर रहा, यहाँ पे नॉर्मली गाड़ियों में क्या होगा, एकदम भागेगी ना गाड़ी एकदम से न्यूट्रल पे, अब देखना एक्टिव लिख के आ रहा है, यानी कि गाड़ी अब आगे ही नहीं बढ़ेगी भाई, समझ गए कितने कमाल का फीचर है हिल डिसेंट कंट्रोल, लाइक करें इसी बात पे। चलो भाई अब हम लोग नीचे उतर आए हैं, अब ना हम घर चेंज कर रहे हैं, अब जो हम पहले रुके थे ना पिछली बार दूसरे घर में वहां पे कर लिया, मतलब वो भी बढ़िया था पर वो हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी बस वॉशरूम की दिक्कत थी, जो ये वाला बढ़िया है भाई जहाँ हम अब जा रहे हैं। मतलब रेट्स यहाँ प्राइस सबके सेम ही होते हैं, 1200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं, सेम है सब, यहाँ पुलिस स्टेशन वगैरह सब कुछ है, देखो यार पुलिस थाना काजा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस स्टेशन बढ़िया बना रखा है, हमारे वहां भी नहीं रहते ऐसे तो देखिए, ए बेटे लग रहा विदेशी है कोई। वैसे भाई काजा में एक तो सुख है भाई, ये टावर नेटवर्क प्रॉपर है, एयरटेल और उसके आते हैं जियो के केबल, उसके ना आते वोडाफोन के बिल्कुल ना, वोडाफोन की सिम मत लेके आना, जियो एयरटेल तगड़े चलते भाई, बहुत हाई स्पीड, हमारे वहां भी ऐसी स्पीड नहीं आती। तो भाई अभी मैं उसी घर पे आ चुका हूँ और यहाँ लाइट की समस्या रहती है, एन पार्क कर दिया और ये याद होगा तो भाई ऊपर जाके रूम है भाई अपना कुछ ऐसा दिखता है, इसमें यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है कि वो बिजली वाला वो है क्या बोलते हैं, मतलब ब्लैंकेट जिससे वो गर्म होता है ना नीचे से, लेकिन अभी लाइट नहीं है, इधर लाइट ही नहीं रहती, वो चल ही नहीं रहा। भाई रोटी टूक खा ली है, बढ़िया आया भोजन मिल गया, अम्मा अम्मा के कोहरा बहुत भयंकर हेडेक, यहाँ यही दिक्कत है, इतनी भयंकर ठंड है, अभी -15 डिग्री हो रखा है भाई, तो जिसको आ जाता ना होना भाई वो प्रिपेयर होके रहा है, इसने इसके सोल वो लपेटी है इसकी टांट पे, देखो कि कुछ हो जाए डोलो वोलो दे के, देखो भाई मतलब ये तो एक्सपेक्टेड मुझे पहले से था, मैं कह रखा था भाई इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, पर हो जाएगा कल तक डन हो जाएगा, बाकी हो सकता है नींद और आज भोजन भी नहीं लिया था हमने दिन में ना, उससे भी हो सकता है, खाने की वजह से गुरु, हाँ खाने की वजह से ये भाई, सुबह वो टोस्ट से बनाए थे उन्होंने, खा के पूरे दिन बता टोस्ट खा के, और अब देखो खाना मिला है हम लोगों को 9:30 बजे भाई, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई, बाकी कोई तो ना वैसे कुछ, चलो और अकेले बैठा सो रहे भाई, वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टाटा गुड नाइट।